यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें, और वैसे होता तो ये स्ट्रेट निकल जाती, लेकिन वाटर है तो हल्का सा टिल्ट कर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ टिल्ट कर गई। ठीक है, फिर अब ये वाटर से ग्लास में जा रही है, तो क्या हुआ, एयर से लिक्विड में गई, तो लिक्विड जो है वो एयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डेंसर है, और जब अब ये लिक्विड से ग्लास में जा रही है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में जा रही है, तो सॉलिड तो लिक्विड के कंपैरिजन में थोड़ा और डेंस होगा, तो वैसे तो ये निकलती सीधी, लेकिन थोड़ा सा और टिल्ट कर गई। ठीक, अब फिर वापस वही कहानी है कि ये अब ग्लास से वापस एयर में जा रही है, ग्लास से एयर में जाएगी, तो ये जो ओरिजिनल रे ऑफ लाइट था, इसी के पैरेलल ये हो जाएगी ऐसे। ऐसे हो गई, अब हम क्या करेंगे? हाँ जी बताओ। अच्छा, अभी ऑनलाइन वाले बच्चे बस आप ना 2 या 3 मिनट वेट करिए, मेरी वीडियो पॉज होएगी। तो अब इसमें ना ये है कि लाइट रे जो है वो एयर से आई, वाटर में एंटर कर गई, फिर वाटर से ग्लास में गई, फिर ग्लास से वापस एयर में गई। तो मैंने एक नॉर्मल इधर ड्रॉ करा, एक नॉर्मल इधर और एक नॉर्मल इधर। ठीक है, तो जो इनिशियली हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने बोल दिया आई, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई बोल दिया। फिर ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, इसको मैंने बोल दिया आर वन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैंने बोल दिया आर वन। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है ये आर वन लिखा है, नहीं तो मैं बाहर लिख रहा हूँ, इस तरफ मैं इस तरफ लिख रहा हूँ इसको, ये है आर वन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, और जब ये वाली लाइन भी नॉर्मल है, ये वाली लाइन भी नॉर्मल है, तो दोनों आपस में पैरेलल हुई और ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगी, तो ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को भी इधर मेंशन कर रहा हूँ, ये भी हो गया आर वन, ये भी आर वन, तो ये भी आर वन। फिर क्या हुआ कि अब ये लाइट रे फिर से, अब वाटर से ग्लास में गई, तो ये फिर से रिफ्रैक्ट हुई, तो ये वाला एंगल क्या बन गया, आर टू, और जब ये आर टू है तो ये वाला एंगल भी आर टू ही होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, और ये हम देख चुके हैं कि जब इधर आई है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों के दोनों इक्वली आते हैं, तो इसको वापस यहाँ पर आई लिख दो। ठीक है, सारे एंगल्स बता दीजिए पहले, क्लियर है कि नहीं? ये वाला आई तो रिफ्रैक्ट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन, ये आर वन तो ये वाला भी आर वन, फिर जब यहाँ से लाइट रे यहाँ गई तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर टू, जब ये आर टू तो ये भी आर टू, और फाइनली जो ये रे ऑफ लाइट इमर्ज करी बाहर, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये भी आई ही हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर होते हैं। समझ गए? क्लियर है इतना? एंगल्स क्लियर है? ठीक, अब इनकी नेमिंग कर दीजिए, ये है ए, ये है बी, इस वाले पॉइंट को बोल दो सी, इस वाले पॉइंट को बोल दो डी, और इस वाले को बोल दो ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, यहां तक करने के बाद में, हाँ सर जैसे ये जो भी है ए और बी हाँ डी और ई के पैरेलल होते हैं, बिल्कुल सही। वैसे अगर हम देखें तो जो सी और ई है वो ए और बी के पैरेलल नहीं है, सी और डी ए और बी के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, रीजन ये है कि एयर से वापस एयर में जब आएगी ना, तभी पैरेलल होगी, ये ए और बी तो एयर में है और सी और डी जो है ये ग्लास में, समझ रहे हैं? हाँ, वो वापस घूम फिर कर उसी मीडियम में, ओरिजिनल मीडियम में आनी चाहिए जैसे हमने रिफ्रैक्ट, तभी पैरेलल होगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, नहीं तो वो रिफ्रैक्ट होती रहेगी। ठीक है, अच्छा, अब ये डायग्राम बनाने के बाद में फिर आप इसमें नोट करें कि फॉर द रे गोइंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, फॉर द रे गोइंग फ्रॉम मीडियम वन फॉर द रे गोइंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, जो रे मीडियम वन से मीडियम टू में जा रही है, तो उसके लिए जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वन म्यू टू, वन म्यू
टू, ठीक है, और साइन आई अपॉन साइन आर वन, इक्वेशन नंबर वन फिर लिखेंगे, समझ गए? साइन एंगल ऑफ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन आई अपॉन साइन आर वन। फिर नोट करें फॉर द रे, हाँ वो दोनों आई, ये मैंने लास्ट क्लास में प्रूव करा था। वो कोई बात नहीं, जो रे ने जब स्टार्ट करा था ना ट्रेवलिंग, जब स्टार्ट करी थी तो वो वाटर में गई, फिर ग्लास में गई, और भी ना जाने कहाँ कहाँ जा सकती थी। लेकिन यही ओरिजिनल रे है जो अलग अलग पाथ ट्रेवर्स करते हुए वापस एयर में ही आ रही है। तो कौन सा वाला, यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर तो रखी है। हाँ ये वाला आई और ये वाला, ऐसा नहीं है, ये क्या होता है, इसका मैंने प्रूफ करवाया था लास्ट क्लास में, देख लेना एक बार, देख लेना कि ये वाला एंगल, इसको हमने अलग, इसको तो हमने आई ही नहीं। अब क्या है कि ये वाला जो मीडियम है, पहले मैं इसके लिए और इसके लिए प्रूव करूंगा, ठीक है, फिर मैं इसमें और इस दोनों के बीच में रिलेशन निकालूंगा, और फिर मैं इसमें और वापस एयर में रिलेशन निकालूंगा, तो हमारा आई और ये आई बराबर आ जाएगी। इसको प्रूव किया जा सकता है, लंबा प्रोसीजर है इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमेशा इक्वल ही होगा, अगर मान लो कोई और भी मीडियम होता और वो वापस इमर्ज करके यहाँ पर आता तो भी वो इक्वल ही होता, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि मैंने ये कहा फॉर द रे गोइंग फ्रॉम, मीडियम टू टू मीडियम वन, सॉरी मीडियम थ्री, अगर मीडियम वन से मीडियम टू में गया, फिर मीडियम टू से मीडियम थ्री में गया, तो मीडियम टू से थ्री में जा रहा है तो यहां पर जो एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आर वन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर टू, तो टू म्यू थ्री इज इक्वल टू साइन आर वन अपॉन साइन आर टू, साइन आर वन अपॉन साइन आर टू। फिर है फॉर द रे गोइंग फ्रॉम मीडियम थ्री टू मीडियम वन, फॉर द रे गोइंग फ्रॉम मीडियम थ्री टू मीडियम वन, थ्री म्यू वन, थ्री म्यू वन इज इक्वल टू साइन आर टू अपॉन साइन आई। ये हो गई इक्वेशन नंबर थ्री। फिर ये जो तीनों इक्वेशंस हैं इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री विद ईच अदर। वन टू और थ्री तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन म्यू टू मल्टीप्लाइड बाई टू म्यू थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर वन मल्टीप्लाइड बाई साइन आर वन अपॉन साइन आर टू मल्टीप्लाइड बाई साइन आर टू अपॉन साइन आई। साइन आई से साइन आई कट गया, साइन आर वन से साइन आर वन, साइन आर टू से साइन आर टू, ठीक है, ये सारा कट गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा वन म्यू टू
मल्टीप्लाइड बाय 2 μ3 मल्टीप्लाइड बाय 3 μ1 इज इक्वल टू 1। अब मैं ये नोट करता हूं 2 μ3, मैं 2 μ3 को इधर रहने देता हूं, और 1 μ2 और 3 μ1 को इधर ले जाते हैं, 1/1 μ2 मल्टीप्लाइड बाई 3 μ1। वन अपॉन 1 μ2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 μ1 अलग कर दिया। 1/3 μ1 को मैं 1 μ3 लिख सकता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 1 μ3 लिख सकता हूँ भाई। वन म्यू टू इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 μ1, ठीक है। तो 1/3 μ1 क्या हो जाएगा, 1 μ3, ठीक है। तो 2 μ3 इज इक्वल टू 1/1 μ2 मल्टीप्लाइड बाई 1 μ3। तो 2 μ3 इज इक्वल टू 1 μ3/1 μ2। और 2 क्या है, वाटर, और 3 क्या है, ग्लास। तो W μg इज इक्वल टू 1 क्या है, एयर, और 3 क्या है, ग्लास। तो A μg/A μw। इससे ये समझ में आता है कि अगर वाटर से ग्लास में अगर हम जा रहे हैं, वाटर से अगर ग्लास में जा रहे हैं, या किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कहेंगे कि A μg, ये जो बाद वाला है इसको ऊपर लिख देंगे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर, अपॉन ये ऊपर वाला क्या है, वाटर, तो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब अगर कभी भी हमको दे रखा हो कि कोई दो चीजें हैं, मान लीजिए कि पेट्रोल से केरोसिन में लाइट रे ट्रेवल कर रही है, पेट्रोल से केरोसिन में, तो वो अगर हमको निकालना है तो पेट्रोल को पी ले लिया और केरोसिन को की के ले लिया, तो पी म्यू के अगर निकालना है, पी म्यू के ये कैसे निकाला जा सकता है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एयर ऊपर ले लीजिए, तो ए म्यू के डिनोमिनेटर वाले का ऊपर और न्यूमिनेटर वाले का नीचे, ए म्यू पी, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक। और वो चीज क्लियर हो जाएगी कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों है, वो क्लियर हो जाएगी, पिछली क्लास वाला एक बार देख लेना, समझ जाओगे बिल्कुल, ठीक है। बताइए जी, क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक यस सर है। अगला टॉपिक नोट करेंगे, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ्स, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ्स। अच्छा, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये आप 10th क्लास में कर चुके थे, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला करा था, उसका डेरिवेशन यहाँ पर आपने देख लिया। उसके बाद जो रियल एंड अपेरेंट डेप्थ है, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ का सिर्फ और सिर्फ हमने ये देखा था कि वो एक रिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल होता है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, कि अगर हम स्विमिंग पूल को देखेंगे तो स्विमिंग पूल हमको उतना गहरा दिखाई नहीं देगा जितना वो एक्चुअल में होता है, या अगर हमने किसी एक छोटे से कंटेनर में पानी भरा और उसमें कॉइन डाल दिया, तो वो कॉइन मुझे थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में वो ज्यादा गहरा होगा, ठीक है। तो अब उस चीज को प्रूव भी करेंगे और ये देखेंगे कि अपेरेंट डेप्थ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, स्विमिंग पूल की गहराई तो उसमें उतर के ही पता चलती है कि वो कितना गहरा है, ठीक है। अगर डूबने लगे तो समझ जाओ गहरा है, अगर नहीं डूबे तो बच गए, ठीक। लेकिन अपेरेंट डेप्थ जो है कि भाई मुझे दिखाई तो ये थोड़ा कम गहरा दे रहा है, तो वो अपेरेंट डेप्थ निकालने का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। हेडिंग डन है, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ।
इट इज ऑन अकाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. It is on account of refraction of light. That the apparent depth of an object that the apparent depth of an object placed in denser medium is less than the real depth. अब एक डायग्राम बनाएंगे. मैं जो कंटेनर बना रहा हूँ उसके ऊपर लगभग लगभग इतनी जगह जरूर छोड़ना, क्योंकि उसके ऊपर मुझे रिफ्रैक्टेड रेज शो करनी है. ये कंटेनर है और ये समझ लीजिए कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लो, मतलब ये वाटर का टॉप सरफेस है. तो अंदर वाटर की ये जो डॉट 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 बनाते हैं वो नहीं बना रहा हूं, नहीं तो वो रेज बनाने में दिक्कत होगी. ये आई है जैसी भी बनी है, समझ जाना. टॉर्च नहीं है अब, थोड़ी ठीक है. और कुछ? अरे चलो ठीक है, ठीक है. आई है ये, ऊपर से कोई देख रहा है, उसकी आंख है कैसे. अरे यार लो हम गई. बना रखी ये सुधामा नहीं आज. कुछ नहीं, मैं आग आग से टॉपिक को डाइवर्ट करना चाह रहा था. हाँ जी, अब क्या है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऊपर ये आंख है, ठीक है. तो ऊपर से ऑब्जर्वर इसको देख रहा है और पानी का ये टॉप सरफेस है. तो क्या है ना कि ये जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा. आप कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा वो देखना, और किस तरह से दिखाई देगा वो भी देखना. अभी देखो ऐसा होता है
हाँ ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है। तो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट पर क्या होता है, एटमोसफियर की रेज ऑफ लाइट उस पर पड़ती है। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रेज ऑफ लाइट गिर रही है और उस वो जो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आ रही है और तब मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। तो होता क्या है कि बहुत सारी रेज ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट पर गिर रही थी और वहां से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंख में आ रही है। तो हमने क्या करा, हमने सारी रेज ऑफ लाइट तो स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने दो रेज ऑफ लाइट ले ली। एक रे ऑफ लाइट वो जो कि यहाँ से परपेंडिकुलरली बाहर आ रही है, तो जो रे ऑफ लाइट वाटर से और एयर में परपेंडिकुलरली आएगी उसमें किसी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन, कोई रिफ्रैक्शन टाइप कुछ होगा नहीं उसमें, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से सीधा ये आंख में आ गई, तो ऑब्जर्वर ने इसको देख लिया। दूसरी रे ऑफ लाइट क्या है कि वो हमने कहा कि चलिए एक थोड़ा सा एंगल पर डाइवर्ट हो रही है रे ऑफ लाइट, तो कितनी निकलेंगी रेज ऑफ लाइट, तो बहुत सारी। हमने एक तो नॉर्मल ले ली और एक ऐसे वाली ले ली। अब क्या होगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये अगर सीधा होता, अगर वाटर ही होता आगे तक तो ये सीधी चली जाती, लेकिन वाटर से एयर में जा रही है तो ये सीधी जाने की बजाय इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। अब इसको आप नाम दे दीजिए बी और सी, इस पॉइंट को बोल दीजिए बी और सी, ठीक है। एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने ये देखा था कि जब हम लेंस में मिरर इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे 10th क्लास में और मिरर में देख रहे थे वो भी 10th क्लास में, अभी मैंने यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बताया ही नहीं है, तो वहां पर हम ये देखते थे कि जो भी रिफ्रैक्टेड रेज है, रिफ्रैक्टेड रेज किस में होती थी, लेंस के केस में, रिफ्लेक्टेड रेज होती थी मिरर के केस में। तो हम ना हमेशा दो रेज ऑफ लाइट लेते थे और वो जो टू रेज ऑफ लाइट होती थी वो जहां पर इंटरसेक्ट करती थी मैं बोलता था इमेज वहीं पर बन रही है। तो एक तो रिफ्रैक्टेड रे ये है, ठीक है, और एक रिफ्रैक्टेड रे ये है, तो यहाँ वाली रिफ्रैक्टेड रे तो रिफ्रैक्ट हुई ही नहीं है तो सीधी जा रही है, ठीक है। और ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ, तो ये यहाँ पर आकर मिल गई, तो यहाँ लिख दो आई। तो ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे दोनों इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इसका मतलब इमेज यहाँ पर बनेगी। तो वो नकली इमेज, वो नकली इमेज, वर्चुअल इमेज है, वो नकली है कि वो हम यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि यार ये तो कुछ भी कह रहा नहीं है, इसमें तो ऐसे हाथ डालकर निकाल लूंगा इस कॉइन को बाहर। हाथ डाला तो पता चला खुद ही डूब गए, वो कॉइन तो निकला नहीं बाहर, हमें निकालने के लिए किसी को आना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आई हो गया पॉइंट, ठीक है। अब जरा देखिएगा अब क्या करना है, इसमें जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मैं सिर्फ रे बी सी की अगर बात करूं, उधर लिख रहा हूं, सही है, इसने फिर भी ठीक बनाई है, मेरे तो बहुत बेकार बनी। इसको तो बेचारे को पता नहीं कुछ हो गया, मायोपिया टाइप कुछ, उसकी आंख तो खराब हो गई। चलिए तो इसमें ना सबसे पहले नोट करें द रेज ओ ए एंड ओ बी स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, हाँ कैमरा मंगाया, उसी के लिए तो कैप्चर कार्ड का वो फोन आया था अभी, आप लोग पता नहीं थे या नहीं थे, कोई किसी की मैंने क्लास भी ली थी। हाँ ये लगाऊंगा ना, हाँ तो वही अभी वो हो नहीं पा रही उसकी सेटिंग। कौन सा, ये पूरा बोर्ड कवर नहीं करता, वो कर रहा है बोर्ड तो कवर कर रहा है लेकिन वो जूम पर उतना इफेक्टिवली चल नहीं रहा, तो उसके लिए कैप्चर कार्ड मंगवाया है। द रेज ओ ए एंड ओ बी एल्गाटो का तो ये है ही सॉफ्टवेयर जो इसमें यूज कर रहा हूँ। द रेज ओ ए एंड ओ बी स्टार्टिंग फ्रॉम ओ आर रिफ्रैक्टेड अलोंग आर रिफ्रैक्टेड अलोंग ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली।
AD and BC respectively, these rays appear to diverge from point I. Appear to diverge from point I. अब जरा देखिएगा इसमें, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पहले अगर मैं BC वाली रे जो ये रिफ्रैक्ट हो रही है इसकी बात करूं, तो ये OB तो हो गया इसका इंसिडेंट रे, तो यानी कि ये वाला जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ठीक है, और ये जो BC है ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, तो ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करूं तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो लाइट है, अगर ये नॉर्मल और ये वाली लाइट, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, ये वाला भी एंगल आई होगा। सिमिलरली मैं ये कहूँ कि ये भी तो एक ट्रांसवर्सल की तरह है भाई, ये पूरी की पूरी लाइन आई बी सी ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल अगर आर है तो ये वाला एंगल भी आर होगा। रुको, सही है, कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ ना, अभी ये आर है तो ये भी आर होगा, इसके लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ और इसके भी लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ। हाँ जी बताओ, बोलो। चलिए अब हम ये कहेंगे आई हो गया और ये आर हो गया, ठीक है। अब ना यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, ये जो है ये है रियल डेप्थ, और ये है अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ ये हो गया। कुछ पूछ रहे थे, हाँ कुछ पूछ रहे थे, अच्छा हाँ ठीक ठीक। अब इसके बाद आप नोट करें, आई इज द वर्चुअल इमेज, आई इज द वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, I is the virtual image of object O, और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर मैंने इस वाले ट्राइंगल की बात करी, ट्राइंगल BAO की, इन ट्राइंगल BAO तो मैं क्या निकाल लूंगा, यहाँ से साइन आई निकाल लूंगा, क्या है कि रे ऑफ लाइट यहाँ से निकल रही है, इसको बोल दो वाटर, और ये वाला जो मीडियम है ऊपर वाला इसको बोल दो एयर, तो रेज ऑफ लाइट वाटर से निकल रही है और एयर में जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा तो साइन आई अपॉन साइन आर निकालना है, तो मैं साइन आई की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो मैंने कहा ट्राइंगल बी ए ओ में साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री वाला एंगल है अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब ओबी, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी, इन ट्राइंगल, ये तो बी ए ओ की बात हुई, फिर दूसरा देखिए बी ए आई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, अगेन यहां पर परपेंडिकुलर क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूस क्या है बी आई, ए बी अपॉन आई बी। फिर हम ये कहेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ डब्ल्यू म्यू ए,
रेज ऑफ लाइट वाटर से निकल के एयर में आ रही है, तो डब्ल्यू म्यू ए, और वाटर में है हमारा साइन आई और एयर में है रिफ्लेक्शन वाला एंगल, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब साइन आई की वैल्यू डालो और साइन आर की वैल्यू डालो तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी क्या हो गया, साइन आई डिवाइड बाई ए बी अपॉन आई बी। तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी मल्टीप्लाइड बाई आई बी अपॉन ए बी। हाँ, ए बी से ए बी कट गया, ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू आई बी अपॉन ओ बी। ठीक है, इसको इक्वेशन वन वन बोलकर छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखेंगे। एज द साइज ऑफ द प्यूपिल इज वेरी स्मॉल, एज द साइज ऑफ द प्यूपिल इज वेरी स्मॉल, द रे बी सी विल एंटर द आई ओनली ओनली इफ B is close to A. Only if B is close to A, then देखिए ऐसा होता है कि बहुत सारी रेज ऑफ लाइट यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, हमको ये तो समझ में आ गया कि जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है ये थोड़ा सा ऊपर इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि जो ये अपेरेंट डेप्थ है ये रियल डेप्थ से कम होने वाली है, ये तो हमको समझ में आ गया। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसको निकालने का भी कोई मेथड मेरे पास आ जाए, अपेरेंट डेप्थ कैलकुलेट करने का। ये तो समझ में आ गया कि अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम है, रियल डेप्थ कैलकुलेट करी जा सकती है, उसके अंदर आपने स्केल डाल दिया मेजरिंग स्केल, ठीक, और आपने देख लिया कि वो कहाँ तक गीला हो जाता है, जिस पॉइंट तक वो गीला हो गया वहां तक आप देख लेंगे कि भाई वो इतना मीटर आपका गहरा है। नहीं, अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि लाइट रे डेंसर से रेयर में आनी चाहिए। भाई डेंसर में पानी में पड़ा हुआ है ना कॉइन और हम एयर में हैं, ठीक है, तो डेंसर से रेयर में लाइट रे आएगी तो वो उभरा हुआ दिखाई देगा। हाँ, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो और गहरा दिखाई देगा। ठीक है, उल्टा होता है। अब देखिएगा, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आई है ये बहुत छोटी सी होती है, तो इधर से हम थोड़ा बहुत ही सामने का तो देख सकते हैं, थोड़ा बहुत साइड का आइडिया लग जाता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि साइड में हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि भाई जो सामने चीज हो रही है वो हमको दिखाई देगी, तो वो सामने का भी थोड़ा बहुत आजू बाजू का तो दिख जाता है। मतलब अगर ये बी बहुत ज्यादा दूर हुआ तो आई इसको देख नहीं पाएगी, तो इसलिए अगर बी ए के नजदीक होगा ना, अगर बी ए के नजदीक होगा तो वो उसको ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएगी आई। तो अब हमने ये कहा कि अगर बी ए के बहुत ज्यादा नजदीक है या थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत इससे हटा हुआ है, नजदीक है, तो हमने ये कहा कि ए आई और बी आई जब ये नजदीक हो जाएगा लगभग लगभग इक्वल हो जाएंगे। समझ रहे हैं भाई, अगर बी को मैं थोड़ा सा इधर लेकर आ गया तो बी आई ऐसे आ जाएगा और ए आई यहाँ पर हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे ए आई और बी आई लगभग लगभग इक्वल है। समझ गए, यहाँ पर लिखिएगा देन ए आई इज इक्विवेलेंट टू बी आई, एंड इसी तरह से मतलब ए से इमेज तक का डिस्टेंस और बी से इमेज तक का डिस्टेंस इक्वल,
इसी तरह से एओ और बीओ ये भी लगभग लगभग इक्वल हो जाएगा। नहीं समझे भाई, ये जो रे है ये रे ऐसे ना होकर ऐसे हो गई सर, तो हम ये कहेंगे कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस लगभग लगभग बराबर, एंड एओ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीओ, देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू, ऊपर आई बी यानी कि बी आई है उसकी जगह ए आई लिख दो, नीचे ओ बी यानी कि बी ओ है उसकी जगह ए ओ लिख दो। डब्ल्यू म्यू ए का मतलब क्या हो गया, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको लिख दें आप और ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू ए ऊपर और डब्ल्यू इधर, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ए ओ अपॉन ए आई। हम कभी भी बोलते हैं ना कि किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, तो अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो वो एयर के रिस्पेक्ट में, मतलब लाइट रे एयर से वाटर में अगर एंटर कर रही है तो ठीक है, तो जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है वो नीचे आना चाहिए ठीक है। तो ए म्यू डब्ल्यू यानी कि इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ए ओ क्या है, ए ओ है हमारा रियल डेप्थ, और ए आई क्या है अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। यही सेम फॉर्मूला हम 10th क्लास में कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखा था लेकिन उसका डेरिवेशन नहीं था, यहाँ पर डेरिवेशन है इसका ठीक है। 10th क्लास में था ये रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ ठीक है। आपकी 10th में पता नहीं था या नहीं था, मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ उसको, 10th में पढ़ा चुका हेलो। हाँ, क्योंकि 17 या 18 में ना सिलेबस काफी हद तक चेंज हुआ था, तो आपने शायद हाँ 20 में, 2020 में करें, तो यहां से हम अपेरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। उसके बाद ठीक है, अब ये मिटा दूं, ये तो समझ में आ गया ना कि इमेज थोड़ी सी ऊपर को उभरी हुई नजर आएगी, नहीं है इसकी लैपटॉप खराब अच्छा हाँ वो बैटरी, हाँ वो मेरे साथ भी हो चुका। कितना कितने टाइम चलाया लैपटॉप, 3 4 साल हो गए। अच्छा नहीं, मैंने 7 साल चलाया था ना, तो मैंने रिकॉर्ड बना दिया था, तो इस वजह से मैं उसको खोलता भी बड़े धीरे से था, वो मेरा पहला लैपटॉप था और अभी तक बेचा नहीं है, अभी तक है, अभी तक रखा हुआ है, एचपी का है, और इतना भयंकर लैपटॉप है अगर कोई चोर आ जाए ना और उसको हमने मार दिया वो लैपटॉप, तो वो बेचारा बेहोश हो जाएगा, इतना भारी लैपटॉप है वो। ऐसा है कि वो सिर्फ चार्जर से ही चलता है और उसके ऊपर ना बड़ी धुंधली धुंधली सी फोटो आती है, जब उसका वो ऑन होता है तो वो मैं ही देख पाता हूँ उसे, और कोई देख नहीं पाता। हाँ दिव्य शक्ति, जैसे अब लिखा हुआ आता है दिस पीसी, तो पहले लिखा हुआ आता था माई कंप्यूटर, तो वो माई कंप्यूटर लिखा हुआ आता है उसमें। हाँ 7 भी नहीं, शायद उससे भी पुराना था कुछ, नहीं एक्सपी तो शायद बाद में, एक्सपी है, एक्सपी है, यस एक्सपी है, एक्सपी है। हाँ वो ऐसे बना हुआ आता है, बिल्कुल सही, वही वही दिखाऊंगा किसी दिन, यही रखा है इधर ही, बड़ा भारी है, मतलब ऐसे ऐसे दो आ जाएंगे उसमें क्या। अब केजी मैंने नहीं नापा ना, पर भारी है। चल अब इसके बाद आप नोट करें अगला, इसी में एक चीज नोट करनी है, नॉर्मल शिफ्ट लिखिएगा, नॉर्मल शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट, उसके बाद में ये तीसरा लैपटॉप है, मतलब वो पहला था फिर दूसरा लिया गया था, उसकी स्टोरी बताऊंगा कभी कैसे लिया था वो मैंने।
हाइट थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड, बुरा नहीं हुआ था। मैं एक तरीका बताऊंगा, बड़ा मतलब उस दौरान बड़ी खुशी होती थी उस चीज से, बताऊंगा। क्या? नहीं, द हाइट थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड, द हाइट थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड इन अ डेंसर मीडियम इन अ डेंसर मीडियम इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। इस कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। भाई जितना वो इंक्रीज हुआ उसको नॉर्मल शिफ्ट बोल देते हैं। नॉर्मल शिफ्ट को कहते हैं डी, डी इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। तो डी इज इक्वल टू रियल डेप्थ हो गया हमारा ए ओ, और अपेरेंट डेप्थ हो गया ए आई। अगर यहां से देखा जाए तो इसको ना हम म्यू ही बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नॉर्मल लैंग्वेज में म्यू बोल देते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए आई। तो यहां से ए आई क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन म्यू माइनस, अगर यहां से मैं ए आई निकालना चाहूं तो ए आई क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन म्यू। तो डी इज इक्वल टू ए ओ कॉमन और ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन वी। अगर दोनों वैल्यूज हैं आपके पास तो ऐसे कर लो, और अगर सिर्फ और सिर्फ रियल डेप्थ है तो आप ऐसे कर लो। हम अपेरेंट डेप्थ निकालने का फॉर्मूला जरूरी क्यों है, क्योंकि हम मेजरिंग स्केल किसी भी स्विमिंग पूल के अंदर डालकर उसकी रियल डेप्थ तो मेजर कर सकते हैं। अपेरेंट डेप्थ भाई मुझे दिख रहा है ऐसा, तो मैं अपने दिखने को कैसे मेजर करूं कि ये मुझे दिखाई दे रहा है कि इतना दूर है नहीं उतना दूर, तो कैसे मेजर करें। तो बस यही फॉर्मूला है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास ये है और ओरिजिनल डेप्थ ये है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ए आई इज इक्वल टू ए अपॉन यू करके, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये हो गया नॉर्मल शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, जितना जितना आप उसको इम्प्योर करते चले जाओगे उतना उतना उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, उतना उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा। क्यों? जितनी डेंसिटी बढ़ेगी उतना वो बेंड करेगा उसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, तभी निकाल पाएंगे। वो तो ये है ना कि जो भी हमारे पास वाटर अवेलेबल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें अगर गिवन है तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, ठीक है। और कल जो मैथ्स की क्लास होगी उसके लिए आप मैसेज चेक कर लेना बस, मैं सुबह 11 या 12 बजे रखूंगा वो क्लास, ठीक है। कल सुबह 11 या 12 बजे रखूंगा मैथ्स की क्लास, ये तो झूठ बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो फिर कल की क्लास कैंसिल करते हैं, फिर रख नहीं पाऊंगा, फिर रख नहीं पाऊंगा, फिर कैंसिल कर दूंगा कल की क्लास, ठीक है। देखिए कल नहीं हो पाएगा, तो मतलब